सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब हमारे असलाफ का किरदार ये था, वो पैर लंबे करने में भी हया करते थे। और आज कौम का हाल ये हो गया है कि अल्लाह अकबर मुसलमान चड्डी पहनकर मोहल्ले में घूमते हैं, मुसलमान जो है तौलिया बांध करके मोहल्ले में घूमते हैं, घुटने दिख रहे हैं। बल्कि अब तो लोग जो है रेलवे स्टेशनों पे सफर भी करते हैं चड्डी पहन करके, लोग जो है वो एयरपोर्ट पर तक आ जाते हैं चड्डी पहनकर, घुटने दिख रहे हैं, जिस्म दिख रहा है। क्यों? इसलिए कि हया रुखसत हो गई है, बेहयाई का दौर दौरा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरह से याद रखो, हया जब तक के इंसान में बाकी रहेगी, इंसान कभी जो है जराइम की तरह न जाएगा। और कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, अगर बेहया लोग जो है अपने आप को नंगा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुरान ने हया का दूसरा पैरा बिठाया, इरशाद फरमाया, हबीब आप फरमा दे अपने मोमिन गुलामों से, हबीब आप अपने गुलामों से फरमा दे कि मोमिनीन अपनी निगाहों को नीची रखें। अल्लाह हू अकबर, आज क्या हालात हैं, आज क्या दिन है। एक तो ये कि लोगों ने अपने आप को नंगा कर दिया, वो बेहया हो गए, और हमने अपनी आंखों को आवारा कर दिया। निगाहें जो नीची होनी चाहिए थी उसको हमने आवारा कर दिया। ये जो इबादतों से लज्जत खत्म होती है ना, निगाहों की आवारगी की बुनियाद पर, निगाहों की आवारगी की बुनियाद पर इबादत से लज्जत खत्म होती है। एक मर्तबा किसी ने सैयदु ताइफा हजरत जुनैद बगदादी से पूछा कि इबादत में लज्जत क्यों नहीं आती, फरमाया शायद तूने किसी जानी की आंखों में झांक लिया है, यानी तेरी आंखें किसी जानी की आंखों से चार हो गई है, तूने जानी की आंखों में आंखें डाल करके देख लिया है, इसलिए इबादत की लज्जत चली गई। अब आप मुझे बताएं, जानी की आंखों में झांक ले तो इबादत से लज्जत चली जाए, इंसान खुद जिना करे तो उसकी हालत क्या होगी। लोग कहते हैं मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती, जो मस्जिद में आते हैं उनकी इबादत में दिल नहीं लगता। क्यों? हमने आंखों को आवारा तो नहीं कर लिया, आंखें आवारा तो नहीं हो गई। सैयद ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी यहां तक फरमाते हैं, अगर हो सके तो औरतों के सूखते हुए कपड़े जो दीवारों पे रस्सियों पे सूखते हैं, औरतों के सूखते हुए कपड़ों को भी मत देखा करो, इसलिए कि उससे भी दिल में गुनाह का जज्बा पैदा होता है। इस्लाम में तकवा ये है कि अगर दूध दोने की ड्यूटी तुम्हारी नहीं है तो हो सके तो बकरी और गाय के थनों को भी देखने से अपनी आंखों को रोका करो। जो मजहब इतनी पाकदामनी सिखाता है, आज उसी मजहब के मानने वाले अय्याशियों की और आवारगी की तरफ जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये मैं आपको बताऊं, मैंने हजरत दाऊद ताई का जिक्र किया, सैयदना दाऊद ताई एक मकान में बरसों रहे, अल्लाह अकबर, उनसे किसी ने कहा ए दाऊद ताई आपके घर में छत नहीं है, इरशाद फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे पता ही नहीं चला अब तक कि मेरे घर में छत है कि नहीं है, इसलिए कि कभी ऊपर देखने का मौका ही नहीं मिला। मैंने हया की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, चूंकि ऊपर देखने का मौका न था और मुझे कोई काम भी नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने कभी ऊपर नजर ही नहीं उठाई।